केस ऑफ एलर्जी इज इट एडवाइजेबल टू अवॉइड एसी? वेरी गुड क्वेश्चन है. देखिए, अगर आपको एलर्जीज है ठंड से, या अभी पहले तो ये पता होना चाहिए कि ठंड से ही एलर्जी है, राइट. अगर आपको दूसरी चीज से एलर्जी है और एसी अवॉइड करें तो कोई मतलब नहीं, मगर अगर आपको रोज रात को एसी में सोने के बाद ही ऐसा होता है, नॉर्मल जब आप ठंड में सो रहे हो तब नहीं होता, ठंड के मौसम में, नॉर्मल मौसम में जब एसी नहीं चला रहे तब नहीं होता, तब ऑब्वियसली एसी अवॉइड करना चाहिए. लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके पास कूलर भी नहीं है और एसी भी नहीं चलाओगे तो पंखे में गर्मी से सो नहीं पाओगे, सो दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस. तो उसका मतलब ये हुआ कि आप सोओगे नहीं तो आपके आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगा. तो वेल एंड सिंपल, डोंट डू दैट. एसी का टेम्परेचर मिनिमम में रखो, नॉर्मल टेम्परेचर रखो. एक बड़ा सा बाल्टी लो, उसमें पानी भर के अपने कमरे में रख लो ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे. इट्स वेरी सिंपल, राइट. यस, दैट इज थॉट टू बी, दैट्स नॉट प्रूवन, बट देन उसमें कोई हार्म नहीं है ट्राई करने को, राइट. एंड देन ऑब्वियसली सोने के बाद, यानी कुछ घंटे का उसमें एसी में आप टाइमर लगाओ, कुछ घंटे के बाद वो एसी, एक घंटा दो घंटा मैक्सिमम, दो घंटा 15 ठंडा हो जाए, बंद करो, ठीक है. दैट्स द आइडिया हाउ टू लिव विथ एन एसी विथ अ कोल्ड एलर्जी. और मान लीजिए अगर आप बाहर जा रहे हो कोई ऐसी जगह जहां एसी लगा हुआ है और आप जैसी घुसते हो आपको छी छी आना शुरू हो जाता है, तो उसका फिर कोई और रास्ता नहीं है. मतलब इधर आपको मुंह पे कपड़ा बांध के रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, ताकि वो, कई बार क्या होता है थोड़ा मोटा कपड़ा लेते हो ना तो आपकी एक्सहेल करी हुई एयर जो है, एक्सहेल करी हुई है, हवा गर्म होती है तो वो गर्म हवा से आपको जो आप इनहेल कर रहे हो फिर वो गर्म हो जाती है, और बाहर से जो कपड़ा है उससे थोड़ी बहुत एयर फ्रेश आ जाती है, और थोड़ी बहुत एयर में भी ऑक्सीजन होता है, एक्सहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी. बाकी आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, और एल्स नो. सो इस तरह से आप बाहर, अगर आपको एसी में भी गड़बड़ लगती है, भाई मैं कभी मीटिंग में गया मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, आप एक ऑक्सीजन मास्क रख लो, सॉरी एक सिंपल वाला H1N1 मास्क रख लो, उनसे बोल देना सीधी सीधी बात, अरे H1N1 फैल गया है, हम तो प्रिकॉशन लेते हैं, आप भी प्रिकॉशन लो, है कि नहीं. सिंपल सी चीज़ें, देखो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. यू कैन कैरी एनीथिंग इफ यू वॉन्ट, इफ यू एक्चुअली नो हाउ टू. इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट द थिंग यू आर कैरिंग.